થર્મેક્સના આપણને પરિણામો આવતા દેખાયા હતા, એના ઉપર વાત કરવા માટે આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. પણ મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ, પહેલા એક વખત રિઝલ્ટ આઉટલુક પણ આપણે બતાવી દઈએ. તો રેવન્યુઝ 58% વધતા દેખાયા છે. એબિટ જુઓ તો એ લોસની સામે આપણને પ્રોફિટમાં આવતો દેખાયો છે. એબિટ માર્જિન જે છે આપણને 6% ઉપર સ્ટેન્ડ થતા દેખાયા છે. 5 કરોડના લોસની સામે વાર્ષિક ધોરણે આપણે જોઈએ તો 42 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોફિટ આવતો દેખાયો છે. ડેફિનેટલી અહીંયા આપણે જોઈએ તો ગ્રોથની અંદર આપણને લો બેઝની ઇમ્પેક્ટ આવતી દેખાઈ રહી છે. પણ તેમ છતાં જે સ્ટ્રીટના એક્સપેક્ટેશન હતા એના કરતાં આપણને રેવન્યુઝ મિસ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો કંપનીના મેનેજમેન્ટમાંથી આપણી સાથે કંપનીના એમડી અને સીઈઓ આશિષ ભંડારી જોડાઈ રહ્યા છે. સર, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજાર મેં. ઓર સબસે પહેલા સર યે સમજના ચાહેંગે, રેવન્યુઝ ઓર માર્જિન્સ મેં હમ લો બેઝ કા ઇફેક્ટ અગર નિકાલ દેતે હૈ તો યહાં પે જો એક્સપેક્ટેશન થી સ્ટ્રીટ કી ઉસસે વિપરીત આંકડે આતે હુએ દિખે, તો યા ક્યા વજહ રહી ઇસકે પીછે ઓર ક્યા આઉટલુક અબ આગે કે લિયે આપ દેખ રહે હૈ? देखिए, हमारी तरफ से मार्जिन्स और रेवेन्यू दोनों में थोड़ा सा घटाव हुआ है. जो साल हमने शुरू किया था उसके एक्सपेक्टेशंस को देखा जाए तो जो रेवेन्यू है उस पर जो इम्पैक्ट हुआ है दो चीज़ों का. एक तो जब मई में कोविड का जो सेकेंड वेव था, जब पूरी तरह से भारत में फैल रहा था, तब करीब 3 हफ्ते प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी कम थी. उसके बाद भी जो हमारे सब वेंडर्स वगैरह थे उन पे इम्पैक्ट काफ़ी था. जो प्रोडक्शन था काफ़ी कम था, काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह में लोगों की भी कमी थी, तो ओवरऑल वो 3-4 हफ्तों में थोड़ा इम्पैक्ट था. दूसरा जो फर्क पड़ा कि एक्सपोर्ट्स जो हमारे काफ़ी हैं, स्पेशली जो हमारे केमिकल्स डिविजन के एक्सपोर्ट्स हैं जिनमें कि मार्जिन भी अच्छा है, वहाँ पर कंटेनर अवेलेबिलिटी और शिप्स की अवेलेबिलिटी, उन सब की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ. दोनों ही चीज़ें करीब अप्रैल एंड तक लग रहा था कि होगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सरप्राइज था. पूरा क्वार्टर ही उस वैसे देखा जाए तो अफेक्टेड था. मेरे हिसाब से इन सारे इम्पैक्ट्स को देखते हुए परफॉर्मेंस अच्छा ही था, especially because इस क्वार्टर में कमोडिटी प्राइस जो स्टील की जो प्राइस बढ़ी काफ़ी 30-40% बढ़ गई थी. स्टायरीन जो हमारे केमिकल्स बिजनेस में यूज होता है उसमें भी प्राइसेस डबल से हो गए थे पिछले 3-5 महीने में, बढ़ता ही जा रहा था वो, पर डबल जैसे हो गए थे. तो वो सब देखते हुए परफॉर्मेंस मार्जिन्स में भी और रेवेन्यू दोनों में इम्पैक्ट था, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा था. वही अभी सेकेंड वेव खत्म भी नहीं हुई और थर्ड वेव की चर्चा चल रही है, और समझो आगे जाके अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपने क्या तैयारी की है और आने वाले क्वार्टर के लिए कोई ग्रोथ आप देख रहे हैं? कि पहले बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले जो तैयारी है वो हम कर सकते हैं कि हमारी जो टीम्स हैं, वेंडर्स हैं, हर जगह वैक्सीनेशन वगैरह कर सकते हैं. तो उस हिसाब से करीब करीब 95% से ज़्यादा हमारी जो संख्या है लोगों की, वो ही नहीं, हम एनकरेज कर रहे हैं फैमिलीज वगैरह जितने भी लोग हैं सबके वैक्सीनेशन पहला वाला हो चुका है, जो जो क्वालिफाइड है, और जो जो दूसरे वैक्सीनेशन के लिए भी क्वालिफाइड है उनके लिए भी हम कैंप्स वगैरह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. उसके अलावा हर फैक्ट्री में, हर साइट में तैयारी है कि अगर एक और वेव आएगा तो क्या करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, कितने लोग मैंडेटरी हैं, कितने लोग नहीं हैं. तो ओवरऑल आई वुड से कि प्रेपरेशन अच्छी है. इवन सब वेंडर्स में जहां तक मैं देखूं प्रेपरेशन अच्छी है थर्ड वेव को मैनेज करने के लिए. पर अगर फिर भी थर्ड वेव आएगा, पूरा अगर सिटी शटडाउन हो रहा है, पूरा स्टेट शटडाउन हो रहा है, तो परफॉर्मेंस पे और नंबर्स पे इफेक्ट होगा. पर एक्सपेक्टेशन है कि अगर आएगा भी तो हम तैयार हैं और मैनेजेबल कंडीशन में. तो उसके उस हिसाब से अगले 3 महीने में भी देखा जाए तो इंक्वायरी पाइपलाइन अच्छी है, पर कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशन में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीजेज हैं कमोडिटीज़ की जो हम हमारे कस्टमर्स को पास ऑन करना चाहते हैं, उन सब में काफ़ी नेगोशिएशन है. कस्टमर्स काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, काफ़ी लंबे चल रहे हैं. कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम L1 डिक्लेयर हो चुके हैं, पर क्योंकि हमारा प्राइस कस्टमर के बजट से काफ़ी हायर है. 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमारा बजट 30% से हमारा जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के टेंडर की जो बजट है उससे 30% से ज़्यादा हायर है.
तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट बोलता है वो प्रोजेक्ट रीटेंडर होंगे, तो ये सबसे थोड़ा तो डिले हो ही रहा है प्रोजेक्ट्स में और ऑर्डर्स में। जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से है कि जो पूरी इकोनॉमी है या वो आर्थिक प्राप्ति मतलब रिकवरी की तरफ बढ़ रही है या विस्तार की तरफ बढ़ रही है, दोनों के साइंस हैं। अगर प्राप्ति की तरफ बढ़ रही है तो एक नंबर है, और अगर विस्तार की तरफ बढ़ रही है जो कि बहुत ही अच्छा हो सकता है, फिर एक और नंबर है। किस तरफ जाएगी अभी कह नहीं सकते, बट मेरे हिसाब से मतलब जो सबसे खराब समय था वो हमारे पीछे है मेरे साथ। सर इसी सवाल के ऊपर मेरा आगे इसी लाइन में सवाल रहेगा कि करंटली अगर हम ऑर्डर बुक्स की सिचुएशन देखें तो वो हम कहाँ पे स्टैंड होते हुए दिख रहे हैं, और आगे जाके किस तरह के हम एग्जीक्यूशन और डिमांड की एक्सपेक्टेशन हम नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रख सकते हैं। देखिए डिमांड तो मैंने बताया हर जगह बेटर लग रही है, एग्जीक्यूशन हमारा बैकलॉग है, तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी मिलेगी प्लांट्स में साइट्स में वो बैकलॉग क्लियर भी होगा। तो अभी जैसे अगर ये पूरे के पूरे 90 दिन क्लियर मिले तो हमारे पास बैकलॉग है कि जो हमने पहले एक्सपेक्ट किया था उससे हम थोड़ा सा बेहतर ही कर सकें, क्योंकि जो पुराना बैकलॉग पिछले क्वार्टर का भी जो हम रिलीज नहीं कर पाए वो इस क्वार्टर में हम रिलीज कर पाएंगे। ओवरऑल ये पूरा साल ही अगर हमें क्लियर मिला, क्योंकि हमारा अभी बैकलॉग 6000 करोड़ से ज्यादा का है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना बैकलॉग हो सके क्लियर कर सकें। पर अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि कस्टमर साइट्स किस कंडीशन में है, कस्टमर वो माल ले सकता है कि नहीं, हमारे सब वेंडर्स किस कंडीशन में है, वो मटेरियल डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। और क्योंकि थर्मैक्स का 30% से ज़्यादा बिजनेस इंडिया के बाहर का है, ये सब वेंडर्स और कस्टमर्स की बात सिर्फ इंडिया के ही नहीं बाहर की भी बात है, तो कोविड के रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर में क्या होते हैं, लॉजिस्टिक्स की कंडीशन बाहर क्या होती है, तो बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। थर्मैक्स की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई कोशिश या कोई गुंजाइश न रह जाए पूरी डिलीवरी में। सर समय की दिक्कत है इसलिए क्विकली जानना चाहूंगी इंटरनेशनल बिजनेस की कोई डिटेल में आप अपडेट दे पाए। तो इंटरनेशनल बिजनेस अभी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस में है, क्योंकि बहुत सारे देश वहाँ पे अभी भी कोविड से बाहर आ रहे हैं, पर काफी उन देशों में लग रहा है कि जो पीक था वो क्रॉस हो चुका है या जस्ट हो रहा है। हमने हर जगह देखा है कि जब पीक होता है तब चीजें सबसे खराब लगती हैं, पर उसके 2-3 हफ्ते बाद बहुत जल्दी चीजें बेहतर होने लगती हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन है कि साउथ ईस्ट एशिया भी बेटर होने लगेगा। यूएस में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, पर उस वहाँ पे थर्ड वेव का इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना बाकी है। और यूएस और यूरोप में डिमांड स्ट्रांग है, क्योंकि काफ़ी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कि पूरे पर्यावरण को देखा जाए, जो उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना है, उन सब पे भी काफ़ी काम हो रहा है, तो उन सब से भी थोड़ी सी अच्छी अपेक्षा है कि बढ़ोतरी मिल सकती है, अच्छे नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एक सब में जो प्रॉब्लम है कि ट्रैवल नहीं हो पा रहा तो कस्टमर्स से मिलना मुश्किल है, सामने उनके रहना मुश्किल है, और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो ये तो टेलविंस हैं, ये तो हेडविंस हैं, काफ़ी टेलविंस की भी बात कर ली है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मिक्स से बेटर ही होना चाहिए परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में।